आपका पहला सवाल है, शेर से पहले जंगल का राजा कौन से जानवर को कहा जाता था? ए गाय को, बी हाथी को, सी लोमड़ी को, डी बाघ को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाथी को। आपका दूसरा सवाल है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ए 2005 में, बी 2008 में, सी 2012 में, डी 2015 में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2008 में। आपका तीसरा सवाल है, गरीबों का संतरा किस फल को कहा जाता है? ए बेर को, बी तरबूज को, सी नींबू को, डी टमाटर को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टमाटर को। आपका चौथा सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो केवल 16 मिनट ही आराम करता है? ए मेंढक, बी तितली, सी चींटी, डी ततैया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चींटी। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा जीव है जो नर और मादा दोनों बन सकता है? ए जेलीफिश, बी ऑक्टोपस, सी दरियाई घोड़ा, डी व्हेल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्टोपस। आपका छठा सवाल है, बकरी का गर्भकाल कितने महीनों का होता है? ए 5 महीने का, बी 4 महीने का, सी 7 महीने का, डी 2 महीने का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ 5 महीने का। आपका सातवां सवाल है, सबसे ज्यादा काला नमक कौन से देश में पाया जाता है? ए जापान में, बी अफ्रीका में, सी भारत में, डी कोरिया में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत में। आपका आठवां सवाल है, पानी से बनी कौन सी चीज है जिसे सूरज भी सुखा नहीं सकता है? ए जूस को, बी वाटर कलर को, सी पेशाब को, डी पसीने को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पसीने को। आपका नौवां सवाल है, कौन सा जीव है जो एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है? ए छिपकली, बी उल्लू, सी गिरगिट, डी भालू। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गिरगिट। आपका दसवां सवाल है, वह कौन सा फल है जिसका बीज बाहर की तरफ होता है? ए सेब का, बी स्ट्रॉबेरी का, सी पपीते का, डी केले का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी का। आपका ग्यारहवां सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ए बादल, बी नीर, सी हयग्रीव, डी चेतक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चेतक। आपका बारहवां सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ए बोध गया में, बी अमरनाथ में, सी लुम्बिनी में, डी कुशीनगर में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ बोध गया में। आपका तेरहवां सवाल है, सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का क्या नाम था? ए जगदीश चंद्र बोस, बी एस एन बोस, सी जानकी नाथ बोस, डी सत्येंद्र नाथ बोस।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जानकीनाथ बोस। आपका 14वां सवाल है, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ए हाथी के, बी चूहे के, सी खरगोश के, डी घोड़े के। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चूहे के। आपका 15वां सवाल है, कौन सा जानवर है जो कि बच्चों की तरह रोता है? ए भालू, बी कंगारू, सी कुत्ता, डी जिराफ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ भालू। आपका 16वां सवाल है, कौन से पक्षी का अंडा सबसे ज्यादा महंगा होता है? ए तोते का, बी कोयल का, सी चमगादड़ का, डी शुतुरमुर्ग का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का। आपका 17वां सवाल है, रोजाना सुबह ब्रेड खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ए शुगर की, बी कैंसर की, सी पथरी की, डी हार्ट अटैक की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शुगर की। आपका 18वां सवाल है, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद को ही खा जाता है? ए चूहा, बी सांप, सी चील, डी छिपकली। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ चूहा। आपका 19वां सवाल है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी शनि ग्रह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। आपका 20वां सवाल है, भारत देश में पहली बार ट्रेन कहां पर चलाई गई थी? ए दिल्ली में, बी ठाणे में, सी कानपुर में, डी गुजरात में। आपका सही उत्तर होगा बी ठाणे में। नॉलेज कॉम्पिटिशन पूरा करने के लिए आपको बहुत बधाई। आप कितने सवालों के जवाब सही सही जानते थे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Hey,